अभी मोस्टली थोड़ी देर पे डिलीवरी हो जाएगी। और क्या मोमेंट है, अमेजिंग मोमेंट है। सोने का मन नहीं कर रहा है, बस लग रहा है मैं अपने बेटे को बस देखती रहूं, देखती रहूं, देखती रहूं। मैं नीचे आया हूँ ज़रा सा अपनी कार देखने। एक्चुअली सुबह सुबह मतलब रात को कल एक बहुत बड़ा पंगा हो गया यहाँ पे। ये कार मेरी तो सेफ है, तो ये है हॉस्पिटल यहाँ पर, और यहाँ पर है कार। ज़रा सा हुआ ये कि कल रात पता नहीं कौन लोग आए थे, और यहाँ पे जो पार्किंग लगी हुई है, इस पार्किंग में वो लोग आके थोड़ा सा तोड़ा फाड़ी किए हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो विंडशील्ड है, ये लोगों का लास्ट पिछले जो तीन कार है मेरे पीछे, मतलब इस लाइन पे ही तीनों नहीं चारों का, मतलब जो एक ऑटो भी था वो भी फूट चुका है। पता नहीं क्या कैसे क्या करना है, मैनेजमेंट देख रही है कि क्या करेगी, कैसे अब रीइंबर्स तो करना पड़ेगा उन लोगों को भी, क्या करे यार, पार्किंग का कोई जगह नहीं अंदर, तो यहाँ पे पार्क करना पड़ता है। कौन आके फोड़ फाड़ के जा रहे हैं, बहुत ही रिस्की हो गया बाहर पार्क करना आज। मोस्ट प्रोबेबली रात में मैं अंदर ही पार्क करने वाला हूँ गाड़ी। तो गाइस ये देखो यहाँ पे कांच फूट चुकी है दो गाड़ियों की। तो गाइस आज है थर्ड डे, ज़रा सा बंद करता हूँ, आवाज़ आ रही है। सो बेसिकली आज है थर्ड डे और हालत तो बहुत ख़राब है अलविदा का, और इसीलिए अभी मोस्टली थोड़ी देर पर डिलीवरी हो जाएगी टचवुड। एंड जो भी है बाकी सब चीज़ तो अच्छी है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है बच्चे को, बच्चा एकदम मस्त है, एकदम एडमिट वगैरह तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो वही है कि अभी डॉक्टर थोड़ी देर पे आएगी, और मोस्ट प्रोबेबली अभी डिलीवरी 10-15 मिनट में या फिर हाफ एन आवर के अंदर हो जाएगा, जब साइन वाइन जो भी लगते हैं हमने कर दिया है। और अभी हम लोग जाएंगे बाहर, मैं वेट करूँगा, मम्मी लोग सब आ चुकी हैं और सब बाहर वेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा नर्वस एंड एक्साइटेड, अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो यहाँ पर हार्ट बीट वगैरह बहुत अच्छी आ रही है बच्चे का, तो अभी तो बंद करके रखा मशीन, और अभी थोड़ी देर पे लेकर जाएंगे। The baby is extremely healthy. एंड दोनों मम्मी और बेबी दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और डॉक्टर वाज अमेजिंग। सो गाइस अर्पिता ऑलरेडी रूम पे आ चुकी है, और यहाँ पे नर्स बेबी को लेके रूम पे आ रहे हैं, और क्या मोमेंट है, अमेजिंग मोमेंट है। पापा मम्मी, अर्पिता की मम्मी पापा सब रूम पे वेट कर रहे थे बच्चे का, फाइनली वो आ चुका है। और अभी हम लोग दिखा नहीं सकते, अर्पिता यहाँ पे, बेबी यहाँ पे, सब देख रहे हैं, और अलग ही मोमेंट है यहाँ पे, अलग, बिल्कुल अलग मोमेंट है। मतलब क्या बताऊँ आपको, मतलब हम लोग बयान ही कर सकते हैं, मतलब वी लिटरली क्राइड, एवरीवन क्राइड जब वो उसको बाहर लेके आया गया। तो मतलब एक अलग ही काइंड ऑफ, क्या बताऊँ मैं आपको, तो सब यहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड है, देख रहे हैं उसको। सबका फ़ोन, इतने लोगों का फ़ोन खोला है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर विशेज, इतने सारे विशेज आए यहाँ पे कि बहुत अच्छा लगा अपने को, और इतने सारे कॉल्स, इतने विशेज, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। फर्स्ट टाइम मतलब आप किसी बेबी को लिया है, किसी बेबी को, मैं पहली बार अपनी बेबी को ले रहा हूँ फर्स्ट टाइम। बहुत ही अमेजिंग, मतलब बियॉन्ड एनीथिंग। सो गाइस देखो आज पहला दिन, और ये सोने का नाम ही नहीं ले रही है, क्या अलग ही सीन चल रहा है इसका आज।
मुझे नींद बहुत है आँखों में, लेकिन एकदम मतलब सोने का मन नहीं कर रहा है। बस लग रहा है मैं अपने बेटे को बस देखती रहूँ। फिर मन में ही लग रहा है मेरी नज़र ना लग जाए उसमें। सही में आज का दिन तो ऐसी पार हो रहा है, देख ही रहे। अभी रात के करीब ढाई बज रहे हाँ। और हम सिर्फ उसको देखे ही जा रहे हैं और अंदर में अभी बहुत सारी एनर्जी है और बात किए जा रहे हैं कि मतलब बिलीव नहीं हो रहा है ये सच में, मतलब हमने इसको बनाया, हमारे अंदर ही ये बना, हम मैन्युफैक्चरिंग थे इसके। बाप रे बाप, सच में बिलीव नहीं हो रहा है। सही में गुड मॉर्निंग, आज है फर्स्ट डे। जाता हूँ थोड़ा सा बाहर, बाहर का तो मौसम है मस्त। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 8:30 सुबह। रात को वैसे हम लोग ज़्यादा सो नहीं पाए, 2-2.5 घंटे मैं सोया हूँ और फिर तो मतलब 1-1.5 घंटे ही सोई है। वैसे उसका नींद कम है बट मेरा नींद बहुत ज़्यादा है, मुझे अराउंड 8 घंटे नींद चाहिए होती थी इससे पहले। आगे का मुझे पता नहीं कि क्या होने वाला है, बट जो भी है फर्स्ट डे तो बहुत ही अमेजिंग गया है हमारा। मतलब और हमारा बेबी ऐसा है कि वो मतलब ना के बराबर बोल सकते हो अभी, मतलब पहले दिन में जो एक्सपीरियंस किया मैंने अभी तक, तो उसने अभी तक रोया नहीं। मतलब निकलने के बाद जो रोया था वो एक बार रोया था और अभी तक उसने और रोया नहीं। मतलब एक बार वो करने शुरू किया तो मुझे लगा कि रोएगा बट फिर वो रोया नहीं। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट डे का, और ये मोमेंट मैं एक्चुअली शेयर इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं इस मोमेंट को कैप्चर करके रखना चाहता हूँ। सिटी कौन बजा रहा है, ये मोमेंट मैं कैप्चर करके रखना चाहता हूँ कि आगे मैं फ्यूचर में कभी देखूँगा तो फिर हम लोग इसको याद करेंगे इस मोमेंट को, इस फर्स्ट डे को स्पेशली। तो अभी तो यहाँ पर ही है और आज से काइंड ऑफ यहाँ पे पैकेज हमने लिया है, सो अभी 3 दिन यहीं पर रहना है। देखते हैं कि कैसे जाता है बाकी के दिन। अभी पापा मम्मी लोग तो घर पे हैं, वो लोग कल शाम को चल गए थे और बेबी को शिफ्ट कर दिया गया था यहाँ पे और पिता के साथ ही। और फिर आज मोस्ट प्रोबेबली सब फ्रेंड्स वगैरह आएंगे तो सब मिल जाएंगे बेबी को, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी अच्छा। मतलब कभी कभी तो बिलीव भी नहीं हो रहा है कि एक्चुअली में ऐसा हो रहा है। मतलब ये हमारा बेबी, मतलब बहुत ही अलग टाइप का फीलिंग है, मतलब जो आई थिंक एक्सप्लेन हम लोग कर नहीं सकते, कोई भी शायद पेरेंट एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अभी ये भी समझ में नहीं आ रहा मैं पेरेंट बन गया हूँ तो ये भी थोड़ा सा टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में। या सीटी क्यों बजाया जा रहा है बार बार, जो भी है। तो अभी तो ब्रेकफास्ट वगैरह अर्पिता का तो अभी लिक्विड डाइट चल रहा है और मेरा अभी काइंड ऑफ मैं चाय वाय पी लिया, तो वेट कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट ऑर्डर करूँगा और फिर खा के थोड़ा सा सोच रहा हूँ लेट लूँ। चलो मम्मी लेके आई है शहद घर से आप बीबी को चखाने के लिए, ताकि वो मीठा मीठा बोले और मीठा मीठा सुने। ये काइंड ऑफ रिचुअल है। चलो मम्मी लोग जा रही है उधर की दीदा क्या बोलो सबाई के दीदी थे। नहीं नाच लगा रहे खेलेगा।
जैसे ही तुम और बेबी दोनों ही ऐसे ही बिल्कुल बाप रे सर क्यों फर्स्ट टाइम फाइनली हमने यूज किया मतलब हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम कहीं लग रहा उद्घाटन हो चुका तो ये हमारी तरफ से हमारे छोटे से बेटे के लिए इतनी सारी गिफ्ट मिली है अर्पिता को स्पेशली बेबीज को इतनी सारी गिफ्ट मिले और यहाँ पे बुके भी मिला है ये वाले आलोक निवेदिता की तरफ से ये ले रही है रेस्ट रवि करेगी अपना डिनर वगैरह डिनर आ चुका है यहाँ पर